Hi, Mom. For God's... Oh! Oh, Titi! On the bed. I looked... Yo, what's up guys, I'm back with another video. आज हम फिर से continue कर रहे हैं Gone Home को, और पिछली बार याद होगा कि बहुत boring episode बना था, अगर तुमने देखा होगा तो, नहीं देखा तो जाके देख लो, क्योंकि बस देख लो जाके। और पिछली बार कुछ ऐसा हुआ था कि एटिक हमें जाना था पर एटिक बंद था और घर का दूसरा हिस्सा बंद था, और तो आज हम ट्राई करेंगे कहीं से भी चाबी ढूंढ लिया जाए, यू नो। बहुत बहुत जब कोई गेम में फंसते हैं ना भाई, अंदर से तो गुस्सा आता है ना। ओके, वो गुस्सा दिखा नहीं सकता पर यू नो। ओके, मैं यू नो और बेसिकली कुछ ज़्यादा ही बोलता हूँ, ये मुझे बंद करना होगा। चलो बिना किस आपको फालतू तो मैं अपना बकवास नहीं सुनाता, रिज्यूम करते हैं। आइस आइस बेबी आइस आइस, इसका लोडिंग समय कितना अच्छा है यार। ओके चलो, ओ चल गया। ओके वो 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 रिलैक्स गेम। तो चाबियां कहाँ है? बत्तियां जलाओ भाई। लॉक्ड है, हमें चाबियां ढूंढना यार। चाबियां हैं कहाँ सर में भाई? इसके तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे भाई, मेरे तो बड़ा घर ना हो यार भाई, डर के मर जाएंगे हम। ओए गाइस, तो असल में ये एटिक बंद है, और यहाँ पर पता नहीं ये क्यों लिखा हुआ है, सैम्स डार्क रूम, डू नॉट इंटर इफ रेड लाइट्स आर ऑन। लॉक्ड है सब कुछ। सब कुछ क्यों लॉक्ड है यहाँ पर? इसमें कुछ है क्या? ये लाइट जल नहीं रहा ना तो भाई, चाबी जरूर यहाँ होगी यार। कारपेट के नीचे ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। तो ये सैम्स डार्क रूम है ना, बहस क्या गई। इस बार भी मैं ये टेप नहीं चलाने वाला भाई, पिछले बार कॉपीराइट क्लेम आ गया है वीडियो पे, मैं इस बार नहीं चलाने वाला। अरे यार चाबियां कहाँ है? चाबियां डोंट फॉरगेट योर कॉस्ट्यूम वगैरह वगैरह वो। Sometimes you just have to lie to mom and dad. Like when Lonnie asked me to see a band with her and stay over at her friend's place in the city after. That's a lie to mom and dad's situation. But it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome. And everybody was moving together like one huge tide of sound. Between two songs, Lonnie leaned over and said, "How do you like your first show?" I was so happy. I felt tears starting in my eyes. And then she up and hugged me. I think she could tell. Guys, अपने पैर से कभी झूठ झूठ मत बोलो। अगर guys, अगर तुम लोगों के अंदर अगर पेरेंट्स से सच बोलने की हिम्मत है ना भाई, तो किसी से नहीं डरोगे, मैं 100% बोल सकता हूँ। ओ एक मिनट Lonnie, holy crap, I was in the library and I noticed something in the corner. भाई लोग हैंडराइटिंग कितना गंदा है यार, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। और I found a secret passage and it had Oscar's creepy old stuffs in it. Oh my god, I have to go see this. We're skipping sixth. Okay, library, bathroom, mom's, dad's room. What? भाई क्लोजेट से बस सीक्रेट रास्ता है यार, क्रेजी।
ओके चलो 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 भाई एटी है भाड़ में। पहले वो मुझे सीक्रेट रूम ढूंढना है। एक मिनट, हमें पहले वो मॉम एंड डैड का मास्टर बेडरूम जाना पड़ेगा। यही है ना? हाँ यही है शायद। हाँ यही है। ओके क्लोज़ेट। टीवी है यार भाई, क्लोज़ेट तो यही है यार भाई। वो कहाँ गया क्लोज़ेट? यही क्लोज़ेट, इसको ना क्लोज़ेट बोलते हैं वो। ओ यप, होली बॉस। भाई लाइट वाइट क्यों नहीं यहाँ पर? मुझे पक्का को डराएगा वो है। शिट यार, क्रीपी बॉय। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, प्लीज 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 कोई मत मुझे डराना। पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है, पर डर के आगे जीत है और हमें इस गेम में चलना। स्विच यहाँ पर है, प्लीज मेरे। हो गाइस हम नीचे तो आ गए। ये तो नॉर्मल रूम है यार। एक मैडम है कहाँ? ओके वी आर इन लाइब्रेरी। ओके लाइब्रेरी असल में नीचे फ्लोर में, शायद वो वही लॉक्ड रूम है शायद जहाँ हम नहीं जा सक रहे थे। कुछ तो होगा यहाँ पर। डॉक्टर एलिजा मीडियन स्ट्रेंजर अंडर माय रूफ। भाई कुछ तो होगा यहाँ पर। ओ वो स्विच का है यार। ओके भाई पजल्स। अप टू सेफ्टी एंड एम्पेरेज रिक्वायरमेंट हाउवेयर मल्टीपल लेयर्स ऑफ वायरिंग हैव बीन एडेड इनटू स्ट्रक्चर ओवर द लास्ट टू इयर्स सिस्टम। ओके घर के बारे में कुछ है। अंडर क्यों यार, क्यों लोग अंदर ना हैं रेडिंग है। इंश्योरेंस मास्टर, इंश्योरेंस कंपनी कुछ है यार ये। भाई बढ़ता ही जा रहा है यार। डैड्स ऑफिस स्विच कहाँ है भाई? स्विच कहाँ है? ओई 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 भाई ये रास्ता था वहाँ। एक मिनट क्या? भाई वो ओके तो हम बेसिकली घूम फिर के वापस आ गए। Oh my god. You are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school. And there I am, introducing myself yaar, to the class. Ye photo. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. DeSoto. I just stood there, pushing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Great. Obviously, तू कम माने से कुछ नहीं होगा। क्या घंटा फालतू पंखा है यार? मुझे एटिक का चाबी दो। कहाँ है एटिक चाबी? भाई ये मेरा सैम को चक्कर लग रहा है यार। उस सैम पक्का किसी साथ भाग गई है। The David Rubek. भाई कहाँ है चाबी? कहाँ है? उधर से तो आ चुके हैं। आगे बढ़ा जाए।
भाई यहाँ जीप से साउंड क्यों आते हैं यहाँ पर? अभी मैं कहाँ पर हूँ? लाइब्रेरी। ओ हाँ, ये डोर भी लॉक्ड है ना। ओके यहाँ पर एक पेपर है। केटी प्लीज वट एवर यू फाउंड डोंट टेल मॉम एंड डैड द एटिक। ओके एटिक, ओ हाँ ये एटिक वाला है। ये तो एटिक बारे में जानता हूँ यार। एक मिनट, मैं टेबल के पीछे नहीं गया यार एक बार में शायद। हाँ नहीं गया हूँ। ओहो रॉयल स्टैग जो भी। कितने शौक है यार इनको दारू की। यहाँ पर एक नोट रखा हुआ है, डैड सेकेंड बुक। कुछ काम का है भी यार ये। ओके डॉक्टर ग्रीन ब्रेयर। हे क्या आवाज कर रहा है यार? कुछ तो आवाज किया यार मुझे। रुचू रुचू जो रॉकिंग चेयर नहीं होता उसका कुछ साउंड साउंड आ रहा है। ओके The writer informed you that unfortunately Mercury books will be unable. अरे यार बुक का कितना शौक है लोगों। पता नहीं मुझे पढ़ना कि नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए ना, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, पर बहुत बोरिंग है यार। बस सही में कुछ अजीब साउंड आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। ओके तो हम यहीं से ऊपर जाएंगे क्योंकि यहाँ जाना ज़्यादा आसान लगता है मुझे। भाई तू बिजली से डर रहा है यार, क्या है मतलब? मेरे फॉर गॉड्स, वो क्या यार, निकलना यार। व्हाट यार, डरा दिया यार मतलब। पकड़ो यार मुझे। फॉर गॉड सो लव्ड वर्ड द ही गेव हिज ओनली सन। क्या मतलब इसको, क्या मैं कर रहा हूँ यार? थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाओ भाग। नहीं उठे भाई। यहाँ पर एक टूटा क्यों, ये बल्ब यहाँ क्यों फूटा? ओ बेटे घोस्ट हंटर सैम एंड लोनी सीक्रेट। भाई ये कौन, ये लोनी मक्कार कौन है यार? हाउस इन्वेस्टिगेशन लॉग, यही पर देखना पड़ेगा। हिडन कंपार्टमेंट फाउंड थ्री, लाइब्रेरी अपस्टेयर्स हॉल फॉयर। ओके लाइब्रेरी में यहाँ पर एक वो है और माय रूम के एक तरफ इधर है और फॉयर। एक मिनट भाई ये तो बड़ा भाई शिट यार, ये तो बहुत ही एविडेंस ऑफ थ्री द सुपर नेचुरल। ए सुपर नेचुरल चीज़ मत दिखाया मुझे, डर लगता है भाई। डिस्कवर जीरो। ओके ठीक है तब ठीक है। द सर्च ऑफ, तो यहाँ से है ना एक लाइब्रेरी में है, एक वो शायद माय रूम के इधर में है और ये एरिया मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये हॉल है फिर यहाँ से कुछ ऐसा है। ओके देखते हैं। ओ ये गली वाला है शायद, मुझे पता चल गया। ओके तो देखो ये है, ये रहा भाई यहाँ। ये बढ़िया मैप मिले दे, मतलब निशान भी दे रहा है। ओ सीक्रेट। अरे यार वो बॉय कौन है? चलो क्या यार मतलब। ओके हटा। हार्विन एट द एज ऑफ द हेवन एट द एज ऑफ द वर्ल्ड प्राइवेट डू नॉट रीड। भाड़ हो जा। अल्जीरिया एंड हर स्काउटिंग पार्ट पीयर्ड डाउन वेयरली थ्रू द डेंस कैनोपी एंड रिजल्टिंग लीव्स फ्रॉम देयर प्रीच हाई इन द फॉरेस्ट ब्रांचेस मीट फिट। अरे यार
मेयर फिट अवे सनलाइट सोन ब्राइटली ऑन द आयन क्या बकवास है राइट थ्री टाइम्स स्टॉप एट फुल ओके आधा फटा हुआ है ये तो सैम के बारे में कुछ है हाफ ऑफ सैम लॉकर कॉम्बो एडेड वो गाइस मेरा इन्वेंटरी किधर है राइट थ्री टाइम्स स्टॉप एट वो लॉकर का जो सैम का रूम है ना वो लॉकर का कोड है शायद आधा मिल गया है और चाहिए तो एक और एक कहाँ पर है डैड्स ऑफिस ओके डैड्स ऑफिस अरे कहाँ भाई कहाँ गाइस अब तो भाई अब मज़ा आ रहा है ना मुझे लगता है इस गेम में कुछ है भी कि नहीं है लेकिन भाई ये साउंड से डराने की कोशिश कर रही हूँ मैं डर भी रहा हूँ द मिसफिट से ओ हाँ ये तो वो कोई कॉन्सर्ट में गई थी स्पेशल गेस्ट प्लस मेडन है जिसके क्या मतलब ये सबका मतलब क्या है At Todd's brother's place after the show, there was only a futon to sleep on, so Lonnie and I shared it. The lights went out. I was turned toward her. My eyes started to adjust, and then I could see she was looking at me, too. In the dark, she smiled. My heart was beating so fast. I rolled over. I felt so, I don't know, nervous? After a minute, she put her arm around me and was so close and whispered in my ear, I really like you. By Sam, ladka hai ki ladki hai? I just nodded my head and I really hope she could tell. Kyunki wo si bol raha hai. I really hope that she meant what I think she did. I felt like a shook up can of soda ever since. I hope we have the chance to talk before I explode. Khatam ho gaya. ओके गाइस मुझे एटी का चाबी दो प्लीज कोई दो अरे भाई ये सुन लो जो भी इस तरह गेम खेलता है रात में प्लीज मत खेलो ओके हेलो ए भाई मुझे बहुत एडजस्टिंग अ डार्क एडिट को हे 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 हुज देयर भाई मुझे साउंड आ रही है पता नहीं तुम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई पर मुझे आ रहा है जिन जिन जिन्होंने हेडफोन नहीं पहना भाई पहन लो ओके हेलो हु आर यू ऑस्कर ओके ऑस्कर एक ऑस्कर वो अवार्ड ऑस्कर नहीं है मुझे लगा था वो अवार्ड कोई अवार्ड ऑस्कर है व्हाट डू यू वांट टू कम बी ए ओ बॉय मिल गया सही आधा है ना कंप्लीट मिल गया भाई चलो तो असल में मैं कहाँ क्या हाँ इसकी बात कर रहा था शायद सैम लड़का है यार मुझे ऐसा लग रहा है वो लड़की नहीं है वो ओके प्रॉपर्टी ऑफ सैम प्राइवेट 0501 ओ भाई 0 5 0 आओ ये तो एक मिनट क्या है सिगरेट लोनी 94 ये लोनी कौन है यार हाँ कुछ सैम लड़का है मुझे लगता है और ये इस लड़की के प्यार में था पर जो बाहर पिक्चर लगी उसमें से दो बहनें मुझे लग रही है जो हॉल में लगी हुई है
अगर मैंने तुम अगर तुम लोग मेरी बात ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही, पहले जाके पहला एपिसोड जाके देख लो। Lonnie came over today, but everything was different. Basement chair. She was sitting at my desk chair. Basement chair. She wouldn't look at me. Finally, I asked her what was going on. She said she felt like she'd done something wrong that night in the city. Like I must think. But I said no. There was nothing wrong. I just wanted to say. But I couldn't find the words. It felt like I was gonna cry, but I wasn't sad. She got up and sat next to me on the bed. I looked at her. Lonnie, do you think you could ever... And that's when she kissed me. Okay. ओके मेरे दिमाग में अब कुछ चल रहा, बहुत सारी बातें चल रही है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो सैम लड़की है एक कंफर्म है, क्योंकि मैं जो बाहर जो पिक्चर लगी जो मैंने देखी हुई है उसमें माँ बाप एक मम्मी है, पापा है, दो बहन है और एक बहन का कैरेक्टर हम खेल रहे हैं और एक बहन का कैरेक्टर हम खेल रहे हैं और जो दूसरी बहन है वो है सैम और लॉनी ये है। तो भाई तो लड़की लड़की तुम समझ लो भाई, मैं नहीं जानता। जेंटलमैन द मैगजीन फॉर मैन, भाई तुम समझ लो भाई मतलब क्या चल रहा है। मैं वो वर्ड्स बोलूंगा नहीं जो मैं बोलना चाहता हूँ। ओके तो हमें हमारे पास बेसमेंट की है, ये बेसमेंट। तो बेसमेंट कहाँ है बेबी, बेसमेंट कहाँ है, बहुत सी बातें पता चल रही है भाई। तो क्या आवाज़ आते रहता है यार। ओके गाइस, जिन जिनको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है इस पिक्चर को देख लो, ये फैमिली का फोटो है, सैम, केटी, मॉम एंड डैड। तो सैम ये होगी और केटी ये है जो हम जो खेल रहे हैं, क्योंकि ये देखो क्योंकि हम ना बेसिकली देखा कैटलिन, असल हमारा पूरा नाम है, पूरा माँ बाप निक नेम केटी है। तो यहाँ पर कोई लड़का नहीं रहता। तो और जो सैम है उसकी एक गर्लफ्रेंड है, तो अब हम उसका पर्दाफाश करने जा रहे हैं बेसमेंट में पास, क्योंकि हमारे पास बेसमेंट की चाबी है। अब पर बेसमेंट चाबी इसके पास क्यों है यार, इसके माँ बाप के पास होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रहा मुझे अब। गाइज रेडी, बी रेडी, अभी जो भी होने वाला है। मुझे हंसना नहीं चाहिए पर मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है, क्योंकि वो सैम भी लड़की है और उसका गर्लफ्रेंड है। एक मिनट, बेसमेंट तो नीचे जाता है ना यार। ओ हाँ नीचे जा रहा है असल में। बत्तियाँ जलाओ यार, बत्तियाँ नहीं है कहीं। ओके नीचे है, आराम से रिलैक्स। भाई तू बस मत फूटना भाई, तू तो एलईडी बल्ब है, तू नहीं फूटेगा भाई। साफ सफाई नहीं करते क्या, वैसे तो मैं भी नहीं करूँगा। ओ गाइस वी आर हियर, क्रीपी जगह है यार ये तो बहुत। ऐ क्या आवाज कर रहा है। ओ बिजली से डरूंगा यार मैं। होली मोली भाई क्या सिस्टम बना रखा है। वैसे घर पे कोई नहीं और ये चालू क्यों है भाई, इसे तो बंद रहना चाहिए ना। एक मिनट, मतलब कोई घर पे है कि नहीं है भाई। यहाँ तो पूरा छानबीन करना पड़ेगा यार मुझे। तो रीड कॉलेज कॉन्ग्रेचुलेशन आई। ओके डियर सैमेंथा, ओके अब जो अब सैम का है। एक मिनट, लड़का लड़की सैम की है। पता नहीं मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन आई
आई एम प्लेस्ड टू इन्फॉर्म यू ऑफ योर एडमिशन टू क्रिएटिव राइटिंग ट्रैक रीड कॉलेज समर प्रोग्राम फॉर यंग स्कूलर्स 1995 सेशन. बिलीव यू हैव मच कॉन्ट्रीब्यूट टू रीड कॉलेज कम्युनिटी बेस्ड ऑन योर पोर्टफोलियो एकेडमिक. I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing, and I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Okay, मैंने ध्यान नहीं दिया किसके बारे में बात कर रही थी. मैं बहुत बड़ा घुचड़ू हूँ. क्यों भाई, मैं ध्यान दिया कर. ओके, 14 कैरेट गोल्ड हार्ट पेंडेंट इन द यो हुज देयर. कम ऑन यार, प्लीज मत डराओ. 14 के गोल्ड हार्ट पेंडेंट इन टू हाफ्स कस्टमाइजेबल विथ अप टू 10 लेटर्स नेम डेट्स. क्या वो मतलब अपना सैम अपने लिए और लोरेन, एक मिसर नाम लोरेन था ना, पता नहीं मैं नाम सब भूल गया, लोरेन था क्या था. और कुछ? नोप. भाई कितना बड़ा बेसमेंट है यार. भाई हमारे यहाँ तो बेसमेंट ही नहीं होती है. माय गॉड, ओ भैंस की आंख, कितना बड़ा है भाई, कितना बड़ा है. एक मड़िया यहाँ वो रहता था क्या यार. एक्सरे बैग वगैरह वगैरह. योलन डी सोटो हेक्टर में स्पेनिश लिखा हुआ. मिसेस Samantha Green Breyer, I adore hill brown country or USA. Holy moly guys, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है. I'm so happy you like the drawing. I was thinking of us when I drew it. कौन सा drawing? Dear Sam, तो ये Sam के लिए है. किसने भेजा है? Lonnie. क्यों Lonnie? प्यार बाबा छोड़ दो, सब धोखा है. पढ़ाई कर लो, मौका है. ओके okay, मुझे ये नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये बात गेमिंग पे भी लागू होती है. ओके इनफ अबाउट दैट. यू लव मेक्सिको. मुझे पता नहीं मैं इसको उल्टा पुल्टा क्यों पढ़ रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता इसका कोई मतलब है. मुझे तो लग एक मिनट. ए कौन है रे? भाई मुझे साउंड आ रही है यार, चलने की साउंड आ रही है मुझे. ओके मैं उधर और अंदर है, पर पहले यहाँ पर थोड़ी जांच पड़ताल कर लेते हैं. भैंस की यहाँ भाई रिकॉर्डिंग बंद हो गया था यार, चल रहा है ना अब? यप परफेक्टली. सॉरी गाइस, अगर तुम लोग कुछ परेशानी हुई होगी तो मुझे तो नहीं लगता. तो गाइस पहले यहाँ थोड़ा जांच पड़ताल कर लिया जाए. They tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. गाइस तो खुद पढ़ लो. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, you didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl. But I don't think they know about us.
kids at school, though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group. एक मिनट. So guys, बहुत पंगा है यार यहाँ. ओ एक मिनट क्या? The accidental savior. कुछ तो ऐसा होगा कि बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि मुझे ये सीरीज बहुत ही बोरिंग लग रही है और मैं चाहता हूँ कुछ धमाकेदार हो. व्हाट द, इधर भी रास्ता है कि मैं इधर से आया था? एक मिनट. प्लीज चूहे होना, प्लीज चूहे होना, प्लीज चूहे. एक मिनट, ये बहुत कंफ्यूजिंग है. व्हाट द भाई, ये कौन सा जगह है भाई, मतलब क्या है? हो बहुत बड़ा यार, मतलब ये लोग बेसमेंट बहुत बड़ा है. ओके गाइस, अगर तुम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि इस ये गॉन होम का सीरीज में बहुत आगे मज़ा आने वाला है. क्योंकि जो सैम है, ये सैम का परिवार, कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, मतलब बहुत अजीब. तो गाइस, अगर तुम लोग को मज़ा आया हो, क्योंकि ये पहला वीडियो से 10 गुना से अच्छा है यार, मतलब अगर तुम्हें कौन है यार, मतलब इतना साउंड क्यों क्यों भाई, क्या रट रट कर रहा है? गाइस, असल में इस घर में बहुत कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब हद से ज़्यादा चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो. अब मुझे तो लग रहा है अभी तो मैंने शुरुआत ही की यार, अंदर पता नहीं क्या क्या होगा. तो गाइस, मज़ा आ रहा हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ तोड़ दो उसे यार, सब्सक्राइब बटन को. और मैं सच्ची बोल रहा हूँ यार, तुम लोग सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि अगर तुम इस गेम पे इंटरेस्ट आ गया है ना, तो तुम्हें आगे देखने में बहुत मज़ा आएगा. सो गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो. हाँ भाई, बहुत मज़ा आने वाला यार मुझे लगता है सीरीज में गॉन होम का, क्योंकि देख इधर और एक दरवाजा है, ओपन पैनल दरवाजा भी नहीं, उधर कुछ होगा. सो सी यू नेक्स्ट टाइम. हाँ. सब्सक्राइब करो सालों.